Assalamualaikum, welcome to part 3. पिछले पार्ट में हमने अपना पहला दिन मुकम्मल किया और डिनर भी कर लिया. अब देखें कि हम क्या क्या करते हैं. लेट्स स्टार्ट द पार्ट. भैया आ जाओ. बेसमेंट भी क्या भर गया है वो. ये भाई साहब को कब्ज थी. यार कब्ज नहीं थी. मेरा पेट यकीन कर मेरा. 2000 years later. भाईजान डिनर हमने कर लिया. हजम करने के लिए बाहर आए हैं. लेकिन एक बात है, लाहौर में ठंड कितनी पड़ रही है बता दे. इतनी कितने बता दे. ये भाई की फीलिंग समझने की कोशिश करें. फीलिंग तो हम समझते नहीं है. और फिलहाल मैं बात कर रहा था, इस भाई को कब्ज थी. ये बताओ कितनी प्लेटें खाई हैं. भाई होश में आओ, इसको अनसब्सक्राइब करो. हम ऐसे प्राणी हैं जो खाना खाने के बाद हजम करने के लिए पता नहीं कितने किलोमीटर चल के आ गए हैं और पता नहीं कहाँ हैं. एनू निकल के ओनू हो गया ना. केनू हो गए ओनू हो गए ओनू हो गया. नहीं ओ सही दसेगा. पर इधरों जाना तो उधरों आ जाना. और लाहौर में भी टोए होते हैं. मिनी यूरोप में टोए. मैंने बोला, मैंने कहा इसको, मैंने कहा लोहरी ने कहना पागल हो गया. कहना भाई ना जिना बैठे लोहरी ने कहना अभी लोहरी आई है भूख दी वजह. भाई हम चलते चलते लिबर्टी चौक पहुंच चुके हैं और हम घूमे नहीं है. ये पीछे चौक का व्यू आ रहा है. आपका ये पीछे चौक का व्यू आ रहा है. आपका ढाई किलोमीटर सफर करने और तस्वीरें और इधर कुशाई करने के बाद अब हमने सोचा कि वापस चलते हैं, कोई मूवी वगैरह देखते हैं और सो जाते हैं. तो अभी हमें टाइम पे उठ कितने बजे. 5 बजे नमाज़े फजर. नहीं यार से पहले ही उठ जाएंगे. फजर की नमाज़ बाद में होती है. 5 बजे उठेंगे हम और 7 बजे हमारा नाश्ता. तो चलिए अब होटल चल के दिखाते हैं आपको अपनी एक्टिविटीज. किसका मोबाइल उठा लाया बैल छोड़. लो जी थकावट तो हुई लेकिन मजा आया आज. और बाकी की थी भाई चलिए. ओए आ जाओ यार. नहीं रुकनी. और दूसरा की थी. ओए सुनाने दे ना यार. वो की थी जिते तीसरा उठे दूसरा वो बाहर चार्ज हो. और जैसे ही हम अपने कमरे में आए तेरे पास नहीं है चाबी. तो भाई भाई रह गया. चाबी को आ दीजिए. लग गई भी और जैसा कि वादा किया था कि कमरे का रिव्यू शाम को. तो पेशे खिदमत है जी, आज हम आपको अपने रूम 408 का कराते हैं टूर. सबसे पहले दरवाजा खोलेंगे. कार्ड लगाया हुआ है. इलेक्ट्रिसिटी ऑन है. एंटर होते सारी सबसे पहले हमें कवर्ड मिलती है जिसमें ऑब्वियसली हम अपने सामान वगैरह हैंग कर सकते हैं. जिसमें तिजोरी, टिपिकली वेट मशीन यहाँ पर मिल जाती है. मसल्ला वगैरह रख गया है और ऑटोमेटिक लाइट भी है. साथ में अलमारी है जहाँ पे आपको आपकी पानी की बोतलें वगैरह, टी पॉट और इलेक्ट्रिक कैटल वगैरह और आपकी चाय दूध वगैरह हर चीज़ यहाँ पर. फ्रूट की बास्केट आपकी यहाँ पर रहती है. और हमारे रूम टूर का जो सबसे मेन पार्ट होता है वो होता है बाथरूम. जैसा कि आप जानते हैं तो बाथरूम दिखाते हैं. हमारे पास एक बाथरूम है जो कि साइज में बहुत छोटा है. आप देखिए मैंने दरवाजा बंद कर दिया. अब मेरे पास एक ये कंपार्टमेंट बचता है जो कि शावर के लिए है ऑब्वियसली, जिसको शीशा लगा के डिवाइड किया गया है. सामने आपको कमोड वगैरह मिलता है. ऊपर एक शेल्फ बनाई गई है. इसका भी बड़ा सा शीशा. सामने आपकी सारी जो किट्स वगैरह मौजूद होती है, सैनिटरी डेंटल शेविंग किट वगैरह शैम्पू वगैरह. ये छोटे से बाथरूम का टूर है. बाकी दूसरा कमरा देखते हैं. बाथरूम के बाहर आते ही एक बहुत बड़ा सा शीशा ड्रेसअप करने के लिए. ऑब्वियसली मास्टर बेड यहाँ पर मौजूद है. इसके दोनों साइड पे लैंप्स आपको नजर आ रहे हैं, ड्रॉअर वगैरह. और साथ में सोफा और एक बहुत बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम. ये छोटा सा हमारा रूम का टूर है. मिलेंगे कुछ देर के बाद. अब तक के लिए सब कुछ अलग. गुड मॉर्निंग.
अस्सलामुअलैकुम नाज़रीनो इकराम, आज ही मीटिंग का आखिरी दिन है और आज थोड़ा सा हल्ला गुल्ला है। आज हमें यहाँ से ट्रेवल करके निशापुटल जाना पड़ेगा जो कि तकरीबन 11 किलोमीटर दूर है। अभी हम कपड़े प्रेस करके रेडी होके और नीचे नाश्ता करने के लिए पहुँचेंगे और फिर गाड़ी आएंगी 7 बजे। भाई अब हम नाश्ता करने के लिए जा रहे हैं और इस वक्त देख सकते हैं अब अंधेरा ही है हर जगह पे। ये अर्ली मॉर्निंग है और अभी ये देखें पूरे ड्रेसअप होकर नाश्ता करेंगे कि टाइम इज मनी, टाइम को फॉलो कर रहे हैं। ठंड लग रही है इस वक्त लेकिन कोई नहीं, हम बिल्डिंग टू बिल्डिंग और व्हीकल टू व्हीकल चलेंगे। नाश्ते में निहारी मिल रही है, क्या बात है, और बोटियां भी भर के हैं। हाँ जी भाई लोग, पीछे आप देख ही सकते हैं कि गाड़ियां आ चुकी हैं जो हमें रिसीव करेंगी, रामादा से सीधा निशात ड्रॉप कर देंगी, वहां पे हमारा कंबाइन सेशन होगा, आपके जनरल सेल्स कॉन्फ्रेंस होगी और फिर बस। और यहां पर कुछ ऐड करना चाहेंगे मेरे दोस्त, सबसे पहले सलानी। सही है सलानी साहब। भाई बस सिर्फ एक चीज से डर रहा, सरप्राइज था कोई मिल जाए वो भी डिटेलिंग। वो साहब क्या कहें, डिटेलिंग होगी जो हालात है के मुताबिक तो लग रहा है नहीं होगी। हंसते जाए, मुस्कुराते जाए और अच्छी खबरें लाए। भाई दवे भाईजन अभी चलते हैं निशात और वहाँ पे आपको दिखाते हैं निशात के व्यूज। चुके हैं जी निशात, आज से 3 साल पहले मैं आया था और आज भी ये वैसा ही है। स्टॉप दिस यार, एक मिनट मेरे केनु सही सलामत खड़ा ले गया जी। तो हमारी जो मीटिंग है वो हो गई है ख़त्म, अब यहाँ से हम इको सेंटर जा रहे हैं और उसके लिए गाड़ियाँ तकरीबन बाहर तैयार हैं। अभी हम लंच कर रहे हैं और कुछ देर के बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे, आखिरी मराहल चल रहे हैं हमारे टूर के। हाँ जी, आज का शो हो गया खत्म, अगले पार से तकरीबन तुहानू डांस ही दिखाया जाएगा जेड़ा के बिल्कुल फ्री बगैर टिकटां ते होएगा। ते अगले पार सारा डांस देखना ना भूलना, फिर मिलांगे, अल्लाह हाफिज़।